सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान कंप्यूटर मोर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके इस वीडियो में फिर से कंप्यूटर जीके कंप्यूटर टॉप 10 इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन और साथ साथ आंसर भी बताने वाला हूँ। अगर आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, साथ में बाजू में बेल आइकन घंटा है उसको भी ऑल प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन का डाउट भी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में संरचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। जरा आप लोग क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए डिक्शनरी, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडेक्स, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूची, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायरेक्टरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरेक्टरी। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। प्रिंट के लिए जब हमें कोई सा कार्ड बनाकर इसमें प्रिंट करना हो तो कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पेशल, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टूल्स, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फाइल, या इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी एडिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक्सेस में एडिट सेल के कॉन्टेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। ऑप्शन नंबर ए नेम बॉक्स, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रो हेडिंग्स, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉर्मूला बार, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रूट डायरेक्टरी, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लेटफॉर्म, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। जब हम किसी भी को कट कॉपी पेस्ट करते हैं इसमें कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पेशल, इसका ऑप्शन नंबर बी टूल्स, इसका ऑप्शन नंबर सी फाइल, या इसका ऑप्शन नंबर डी एडिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडिट। चलिए यहाँ से फिर से, अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आपको जो बाजू में बेल आइकन का घंटा है उसको भी ऑल प्रेस कर दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन का डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और आप हमसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हो। तो ये रहा आपके अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बार चार्ट, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाई चार्ट, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्ट विजार्ड, या इसका राइट इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिवट टेबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, स्पेशल चेक, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सेस, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आउटलुक, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस पो प्रो, या
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ऐसे बात कर लेते हैं। किसी डाटा बेस को डाटा फाइल की सूची को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए डाटा डायरेक्टरी है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डाटा डिक्स है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाटा डिक्शनरी है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाटा कोश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं इसका कौन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाटा डिक्शनरी। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे, सारे वर्ड्स डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। जरा आप लोग क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा TXT या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DOC जिसको डॉस बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा FIL या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा WRD। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा डॉस। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आखिरी क्वेश्चन, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं या इसका ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जस्टिफाइड या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेंटर या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इंस्टाग्राम के फॉलो नहीं किए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, साथ साथ पेज फेसबुक पेज पे भी आ जाइएगा और टेलीग्राम पर चैनल पर अभी ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।